सोनीपत से खबर है, सफाई कर्मचारियों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों की आत्महत्या को लेकर प्रदर्शन किया गया, सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई हो ये मांग है। सुसाइड नोट में कई अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप है। कर्मचारियों को एसएचओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनीपत की खबर है, सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने सिटी थाने पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बताया कि एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम श्यामलाल है, उसने अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले श्यामलाल ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें कई अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। ऐसे में कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों पर आरोप लगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में थाना प्रभारी ने कर्मचारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिटी थाने पर हम प्रदर्शन लेके आए हैं। श्यामलाल ने नाम लिखकर सुसाइड किया था, उसमें देरी के कारण हमें यहाँ प्रदर्शन लेके आना पड़ा। हमारी इंस्पेक्टर सिटी से बातचीत हुई है, उन्होंने एक हफ्ते का आश्वासन दिया है कि आज दोबारा से एसीपी से भी बात की है, उन्होंने निगम के कमिश्नर से बात की है और एसएफएल की जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है उस पर उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिख के जल्दी वो रिपोर्ट लेने का आश्वासन सप्ताह के अंदर दिया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने हमें दिया। नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी है, उन द्वारा सुसाइड किया गया था और उस रोज जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, मुकदमा दर्ज करके उसकी कार्रवाई पोस्टमार्टम किया गया था। उसके बाद जो है उसका जो सुसाइड नोट है उसको मिलान के हेतु भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उसकी नियम अनुसार आगामी कार्रवाई हमें मिलाई जी। सुसाइड नोट इसी वजह से हमने भेजा है, उसका मिलान करके और आगामी। राम सिंह मार सोनीपत से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है? बिल्कुल, देखिए सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने सिटी थाना पुलिस का हल्ला बोल किया और यहाँ पर काफी सफाई कर्मचारी इस बात को लेकर पहुंचे थे कि पिछले दिनों सफाई कर्मचारी श्यामलाल द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में सिटी थाना पुलिस को एक शिकायत दी गई थी, क्योंकि एक सुसाइड नोट जो है श्यामलाल द्वारा आत्महत्या करने के उपरांत मिला था, जिसमें कुछ अधिकारियों द्वारा दबाव दिए जाने को लेकर आत्महत्या का जिक्र किया गया था। अब पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो सुसाइड नोट था उसे लैब में भेजा गया है करनाल और उसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि एक आश्वासन जो है पुलिस द्वारा पहले भी दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से कोई कार्रवाई सफाई कर्मचारियों द्वारा ऐसा नजर आया कि अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसको लेकर आज जो है शहर की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए शहर के थाना पे पहुंचे और वहां जाकर काफी देर तक जो है हल्ला बोल किया और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस की तरफ से आश्वासन भी आज फिर मिला है और उन्होंने यही कहा है कि जो सुसाइड नोट है उसका मिलान करने के लिए उसे भेजा गया है और जैसे ही तथ्यात्मक चीजें सामने आएंगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से एक शख्स एक सफाई कर्मचारी की मौत हुई और मौत के बाद जो है लगातार इस प्रकार का हल्ला बोल जो है वो देखा जा रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।